अस्सलाम वालेकुम। तशबीह तमसील का तमरीन नंबर 1 बईन अल मुशब्बह वल मुशब्बह बिही फी मा याती। नीचे कुछ पोएम्स कभी आयत सब है, तो उनमें से आप लोग मुशब्बह मुशब्बह बिही बयान करना और मुशब्बह मुशब्बह बिही बयान करने वक्त ये भी बताना है यहाँ वजह शब्द क्या होगा। ओके, क्योंकि ये सब यहाँ जो दिया पूरा हुआ तशबीह तमसील का मिसाल है, तशबीह तमसील अच्छा से समझने के लिए वजह शब्द क्या है ढूंढना है। ओके, तो फर्स्ट वन, काल इबिल मुतज यसिफु समाअ बाद तकशुई सहाबतिन कअन्न समाअना लम्मा तजल्लत खिलाल नुजूमिहा इंद सबाही रियाल बनफसजिन खललिन नदाहु तफत्तह बैनहु नूरुल अकाही। बिलमोतज समा का वस्व कहता है, बाद कशो सहाबत बादल चढ़ने के बाद समाई की हालत बयान करता है। कअन्न समाअना, हमारे ये जो आसमान है किस तरह है, लम्मा तजल्लत जब वो आसमान रोशन हो गया, खिलाल नजूमिहा वो आसमान के सितारों के बीच में रोशन हो गया, इन द सुबह सुबह के टाइम में, तो ये है मुशब्बह। सुबह के टाइम में सितारों के बीच में आसमान की रोशनी किस तरह है, रियाल बनफसज, बनफसज का एक बाग के जैसा है, खललिन नदाहो, खललिन माना रुतब, तरोताज़ा है नदाहो उसका शबनम, और तफत्ता बैनहु वो रियाल के बीच में आ गया है, नौरुल अकाह, अकाह का एक गली है ना, वो फूल का गली उड़ गई है, तो एक बाग और बाग के बीच में, बाग का बयानत है वो उसका शबनम तरोसा, ऐसा बाग के बीच में बहुत ज़्यादा फूलों हैं, फूलों का नौर है उसके जैसा है, क्या है ये समाग सितारों के बीच में। तो यहाँ वजह शब्द क्या है, एक खूबसूरत चीज़ और खूबसूरत चीज़ के बीच में क्या है दूसरा कुछ और उस खूबसूरत चीज़ आया है। ओके, तो वहाँ एक सूरा मुतअद्दिदा मिन मुंतज़िया है। और दूसरा वकाल इब्न रूमी का बोयम है, मा अनसला अनसखब माजन मररतु बिही यदहुर रुकाका तवश्कल लम्हि बिलबसरी मा बैन रुयतिहा फी कफ्फिही कुरतन وبين رؤيتها قوراء كالقمر إلا بمقدار ما تنداه دائرة في صفحة الماء ترمي فيه بالهجر ما أنسى मैं नहीं भूला हूँ, ला अनस मैं नहीं भूल जाऊँगा, खब्बाज़न ये रोटी बनाने वाले आदमी को, कौन सा रोटी बनाने वाला आदमी, मरर तो भी मैं उसके पास से गुजरा था, वो आदमी इधर रुका करता वो रोटी को फैलाता है। ओके, वश्कल्लमी बिल बसरी, वश्कल्लमी बिल बसरी बोले तो आंध चिपकने की स्पीड है, मतलब अचानक से रोटी बनाने वाला वह अब्बास को मैं हरगिज़ नहीं भूलूँगा। और माँ बहन रोइत है फी कफ़ ही कुरतन, बहन रोइत है कौरा कल कमरी, और उसके देखने के बीच में, मतलब वो दरमिया वो उसके हाथ में जो रोटी फैलाता है ना, तो एक टाइम में कुरत होकर दिखाई देते हैं, बहन रोयत या कौरा अकल कमरी, और एक टाइम में कमर के जैसे राउंड शेप दिखता है, वो शेप कैसे है, इल्ला भी मिकदारी मा तंदाहु दायरतुन फी सुफ्फतिल माई तरमी फीही बिल हजरी, एक पानी का एक बर्तन या पानी का एक जगह, वो जगह पर फर्स्ट में एक पत्थर डाल दिए तो छोटा राउंड होगा, फिर वो राउंड फैलता है ना उसके जैसे, वो कदर पर क्या है तंदाहु दायरतुन, वो खब्बाज का रोटी क्या है तंदाहु माना तबसुतु फैलता है। तो यहाँ वो रोटी का राउंड शेप को किसका राउंड शेप के हिसाब से तशबीह किया, जो पानी में पत्थर डाल दिए तो फर्स्ट एक छोटा सर्कल होगा फिर वो बढ़ेगा उसके जैसे है, ये खब्बाज रोटी बनाने वाले, फर्स्ट छोटा है फिर वो बड़ा हो जाएगा, तो फर्स्ट एक चीज़ छोटा है फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। ओके, वो एक सूरत पर ये उसको क्या किया तशबीह किया, तो यहाँ वजू शब्द भी सूरा मुंतज़िया, इसलिए ये तशबीह तब्दील है। तीसरा है वकाल फिल मशीबी, बुढ़ापन के बारे में
एक पोयम है। अव्वल बद इल्म शेबी वाहिदतुन तुशइलु मा जावरत मिन शायरी मिसलुल हरीकिल अलीम तबदउहु अव्वल सौलिन सगीरतु शररी। अव्वल बद इल्म शेबी जो बुढ़ापन का स्टार्टिंग वाहिदतुन एक बाल की वजह से है। तुशइलु मा जावरत मिन शायरी फिर वो बाल के जो इर्द गिर्द में मुजावरा होता है उसको भी क्या होता है शायल मतलब वो बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा। जिस तरह मिसल हरीक ललीमी ये बड़ा जलन फायर सब होता है ना तो उसका फायर फैलने के फर्स्ट तब तो स्टार्ट होता है अव्वल सौलिन एक छोटा एक सौलिन की वजह से सौलिन तो शररी वो छोटा फायर है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम वायर नहीं होगा लेकिन वो फिर बढ़ता है फिर फैलता है तो उसके जैसा है बुढ़ापन भी मतलब सफ़ेद थोड़ा एक बाल सफ़ेद होता है फिर बाकी पूरा सफ़ेद होता है। तो यहाँ भी वो बाल क्या है पूरा सफ़ेद होने को किस तरह तशबीह किया एक आग का शोला वो फैल के बड़ा फायर एक्सीडेंट होता है उसके जैसे तशबीह किया। तो यहाँ भी फर्स्ट छोटा होता है फिर बढ़ के बड़ा होता है यही वजह शब है। तो ये भी सूरा मुतअद्दिदा है इसलिए ये भी तशबीह तमथील है। وقال آخر تقلدتني الليالي وهي مدبرة كأنني صارم في كف منهزم قلدتني تقلد من هار پہنانا تقلدتني مجھے ہار پہنایا الليالي راتیں وهي مدبرة وہ راتیں حالانگی پیچھے پڑ رہا ہے وہ پیچھے جانے والی رات میری مجھ کو کیا ہے हार पहनाई जैसे कहननी में हो गया सारी मुनफी काफ़ी मुनहजिमिन मुनहजिम माना जंग से दौड़ के पीछे जाने वाला आदमी है। तो ऐसा आदमी के पास काफ हाथ में क्या है एक तलवार के जैसा है रात खुद पीछे पट रहा है वो रात मुझे हार पहनाया किस तरह हिसाब से एक जंग से पीछे दौड़ने वाला आदमी के पास तलवार है तो जिसको हक नहीं वो पीछे दौड़ रहा है वो क्या है एक बेफायदा काम करने के जैसे मतलब एक जंग से पीछे जाने वाला आदमी के पास किसकी हाजत नहीं एक तलवार की हाजत नहीं और ऐसा पीछे दौड़ने वाली एक रात हार पहनाए तो सक्सेस की निशानी नहीं है ना। तो ऐसा ये है वजह शब क्या है जो वो काम करने के लिए जिसका वो काम करने का कैपेसिटी नहीं है वो काम करता है उस पर वजह शब दिया है। नेक्स्ट तमरीन नंबर मिसाल फाइव एक आयत है وقال تعالى انما مثل الحياة الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت ولن أهلها أنهم قادرون عليها طه أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حسيدا كأن لم تغن بالأمس الله تعالى ایک حیات کا مثال کہتا ہے انما مثل الحیات حیات کا مثال وہاں آیات مشبہ ہے پھر باقی کما ان سے بالأمس تک پورا وہ چار لین مشبہ بھی ہے تو مشبہ بھی تھوڑا زیادہ ہو تو ہی سمجھنا ہے وہاں تشبیہ تمثیل ہے। तो ज़िंदगी का एग्जांपल एक पानी के जैसे अनजल्ला मिनस समाए आग आसमान से नाजिल हुई फख्तरत बिह नबातुल्लाह फिर ज़मीन पे नबात के साथ मिक्स हो गया और नबात मिमा यकुल नास व अनाम इंसान जानवर सब खाते हैं नबात से और हत्ता इज़ा अख़ज़तिल्लाह ज़ुहूरुहा व ज़य्यनत व नबात से ज़मीन क्या हो गया मुज़य्यन हो गया और ज़मीन फर्टिल हो गया तो वलन अहलु ज़मीन का अहल ऐसा सोचे हम क़ादिरुन अलैहा ये ज़मीन हमारा कंट्रोल पर है तो ऐसा सोचने वक्त अतः अम्रना अल्लाह के अम्र आएगा लेलन व नहारन रात दिन में पजालना आसीदन फिर वो एक पूरा नबात को जड़ से उकाड़ के कलम तकना बिलम से कल यहाँ ऐसा एक चीज़ नहीं है इसके जैसे अल्लाह ताला बनाएगा। ओके तो यहाँ वजह शब्द क्या है किस में तशबीह किया है पहले कुछ भी नहीं था फिर बहुत चीज़ आएगा फिर कुछ भी नहीं होगा इस तरह तशबीह किया। ज़िंदगी ऐसा है ना हम लोगों को कुछ हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा फिर कुछ आए तो घमंड आएगा तो उस वक्त क्या होगा अल्लाह ताला
उसको हटा देगा। ओके वाला साहिब कलीला व दिमना, कलीला दिमना आप लोग सुने होंगे, वो एक अच्छा फिलोसफी सब बताने वाली एक किताब है, उसका एक एक इंटरेस्टिंग फिलोसफी है। यहाँ युबका सालेह मिन रिजाल सालेह, एक अच्छा आदमी ही बनेगा, हत्ता युसाहिब फासिदन, एक फासिद के साथ सोहबत रखने तक। वैदा सवाही सोहब हो, अगर एक फासिद के साथ सोहबत रखे तो फसदा, ये भी बिगड़ जाएगा। मिसल मियाँ पानी के जैसे, अल्लाहारी दरिया का तकून अदबतन, वो अच्छा पानी होगा, हत्ता तुखालिता मा अल बहरी, समुंदर के पानी के साथ मिक्स होने तक। फ़ायदा खालत हो मलहत, समुंदर के पानी के मिक्स हो तो मलहत, ये भी साल्टी वाटर हो जाएगा। ओके तो यहाँ भी एक वजह शब्द है, वजह शब्द क्या है, हाँ एक अच्छे चीज़ मिक्स होने के बाद बुरा होता है। और इसमें एक और भी लाइन है, वकाल मन सुना मारूफन ले आजिल जजाई, अचानक से फ़ायदा मिलने के लिए एक काम की, ये तफवा का मुल्किल हब्बी लितोरी, एक चिड़िया को पकड़ने के लिए हम फाले दाना डालता है, लाली अनफा, हाँ वो चिड़िया को फ़ायदा मिलने के लिए नहीं, बल यसीदहा भी, वो हब डालने की वजह से चिड़िया को जल्दी पकड़ने के लिए है। तो एक हमारा दोस्त या हमारा एक अचानक से एक आदमी जल्दी हमको एक कुछ फ़ायदा किए, तो हम समझना है वो हमको फ़ायदा देने के लिए नहीं, हमसे कुछ वो लेने चाहता है, या हमारे वजह से उनको कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। तो यहाँ भी ऐसा है, अचानक से एक बात करता है, वो इसके जैसे तशबी किया था। वजह शब्द क्या है यहाँ, वजह शब्द बाद में फ़ायदे मिलने के लिए अभी करने के जैसे। ओके और सेवेंथ बुहतरी का पोएम है, वजह तो नफसी का मिन नफसी भी मंजिल तिनहील मुसाफा तो बैनल माई वर राही, वजह तो नफ्स का मिन नफसी भी मंजिल, मैं मेरा नफ्स और तेरा नफ्स दोनों के बीच में ऐसा पाया, मतलब मेरा नफ्स तेरा नफ्स को कंपेयर किए किस तरह, ये मुसाफा तो बैनल माई वर राही, पानी शराब का कंपेरिजन के जैसे, पानी शराब उसको कंपेरिजन किस तरह है, शराब पीने के लिए पानी उसमें मिक्स करना पड़ेगा, तो मैं तू ऐसा है, अगर तू होने के लिए मैं होना ज़रूरी है, मैं होने के लिए तू मेरे साथ तू भी होना है। तो वजह से भी क्या है, हाँ एक होने के लिए दूसरा होना है, दूसरा होने के लिए भी होना है। आठवा वकाल अबू तमाम फी मुगन्नियतिन तुगन्नी बिल फारसती, एक फारसी लैंग्वेज में सॉन्ग सिंग करने वाली एक औरत के बारे में एक पोएम है, वलम अफहम मानीहा वलाकिन वरत कबदी फलम अजहल शजाहा फबितु का अन्ननी अमा मुगन्निन युहिब्बुल गानियाति वला यराहा, वलम अफहम महानिहा, वो सॉन्ग सुनने वक्त उसका माना मुझको समझ में नहीं आता है, लेकिन वरत कबदी, वो मेरा जिगर को आग लगा दी, वलम अजहल शजाहा, वो आग के जलन में महसूस नहीं होता हूँ, और फबितु में रात में गुजरा का अन्ननी अमा, में अकांदा के जैसे मुगन्निन, अमा मुगन्निन, मुगन्नी से अंधा हो गया उस दिन, उसके जैसे रात गुजरा, युहिब्बुल गानियाति वला यराहा, कौन सा अंधा है, गानियात को पसंद करता है, वला यराहा, नहीं देख सकता है। तो एक पोएम सुनता है नहीं समझ में आता है, उसको कंपेयर किया किसके से, एक अंधा सुनता है देख नहीं सकता है, तो वजह शब्द वही है। ओके एक चीज़ आता है और फिर उसको अच्छा से किस तरह यूज़ करना है, और कौन सा चीज़ पर वो चीज़ आता है, वो चीज़ का फ़ायदा हासिल करना नामुमकिन है। ओके नेक्स्ट नाइन्थ वन, वकाना फी सदीक़िन आक़िन इन्नी व इय्याका कस्सदीरा आन हलन व दूनहु हुवतुन यक्षा भी अतलफा रा बिआईनिही मा अन अज़्ज़ मौरिदुहु व लैसा यमलिकु दूनल माई मुनसरिफा, एक आकमाना बेवफा सदीक के बारे में एक पोएम है, इन्नी मैं और वैया का तो कस्सादी एक दरिया एक पानी का चश्मा का जैसा रा आन हलन, वो चश्मा को देखा एक आदमी, वो बहुत प्यास है प्यासा है,
वह दोनों हो लेकिन उसके सामने है, वह दर चश्मा पहुँचने के लिए एक हुवत एक हलाक है वहाँ। यक्षा भी हा तलफा वो दरिया वहाँ चश्मा की तरफ पार किए तो वहाँ इसको तलिफ है, इसको हलाक आ जाएगा, ऐसे एक प्रॉब्लम है उसके सामने। तो वहाँ चश्मा है, ये प्यासा भी है लेकिन वहाँ नहीं पहुँच सकता है। रहा भी आई नहीं मान अपने आँखों से पानी देखा, अज़म और दो वो पानी आने का जगह सब अच्छा है, अच्छा पानी है, सौ पानी है, लेकिन वरे से इमली को नहीं मिलेगा। मुनसरिफन दुनल माई वो कहे पीछे जाने की हालत में पानी के अलावा ऐसा हालत है उसका अर्कस पानी नहीं मिलेगा, इसके जैसा है मैं और तो मतलब दोस्ती है लेकिन दोस्ती रखने का ऑप्शन है ये वहाँ, क्योंकि तुझसे दोस्ती रखे तो मैं भी बिगड़ जाएगा। और नेक्स्ट टेंथ وقال الله تعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم। ये ज़्यादा पैसा सदका वगैरह देने वालों का मिसाल अल्लाह ताला कुरान में बताया है, एक दाने के जैसा है, वो दाने से सात सुंबलत है, वो हर सुंबलत में भी सौ है, तो मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। तो एक सदका देने वालों का अल्लाह ताला उसका अजर भी उतना ज़्यादा देता है। यहाँ भी वजह शब्द क्या है, एक चीज़ से दूसरे चीज़, उससे दूसरे चीज़, ऐसा अनगिनत चीज़ों है। यहाँ भी सूरत मुतअद्दिदा है। और नेक्स्ट तंबी नंबर 11 وقال الله تعالى وَعَلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ مَغْفِرَةً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا अमल हयात दुनिया इल्ला मताउल मताउल गुरूर। जानो ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी बोले तो खेल कूद है और जीनत है, तफाखुर है, माल में तकाथुर, औलाद में, तो ये सब का मसले गैसिन एक बादल के जैसे। आजबल कुफार नबात हो, वो नबात कुफार लोगों को खुश दे दिया, तो मैं यही जुफा दरा हूँ मुस्फर्रन, फिर वह नबात बढ़ती है, फिर मुस्फर होगा, तो मैं कौन होता मन बड़ा एक क्या है बंडल होता है। तो दुनिया में अच्छा अच्छा पैसा मिलेगा लेकिन फिर आखरत में अदाबुन शदीदुन है, क्योंकि मग़फ़रत मिन अल्लाह व रिज़वानुन, और जो अच्छा अदाबुन शदीद भी है मग़फ़रत भी है, जो अच्छा काम करता है अल्लाह को याद करेगा उनको मग़फ़रत है और कुफ़ार लोगों को अदाब भी है। तो दुनिया इल्ला मताउल गुरूर ओके। तो यहाँ भी तशबीह किया है, दुनिया में बहुत चीज़ें दिखाया है, वो एक बादल के जैसे, बादल की वजह से बहुत ज़्यादा ये सब होता है, तो एक चीज़ उसके बाद वजह उसके वजह से दूसरा चीज़ आता है, दूसरा चीज़ आता है, इसमें है वजह से। नेक्स्ट ये लास्ट है وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يخشى موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور। यहाँ एक ही मुशब्बह को दो वजह मुशब्बह भी है, जो अल्लाह से अमल नहीं, अल्लाह का जो अल्लाह जो अमल करने बताया वो अमल नहीं किया, इस आदमियों का एग्जांपल का शराब इन बकियत यहसबहु लमआन मान इधा जाओ, एक शराब के जैसा है, एक रेगिस्तान में तो प्यासा आदमी वहाँ पानी है सोच के दौड़ कर जाता है लेकिन वहाँ पहुँचने वक्त वह नहीं होगा, तो यह आखरत में भी ऐसा होगा, अल्लाह ताला के पास से जजा मिलेगा सोच के जाता है लेकिन वहाँ पहुँचने वक्त जजा नहीं होगा। नहीं तो ज़ुलुमात फी बहर, एक अंधेरी रात की समुंदर की अंधेरी बयान किया है, वो अंधेरी किस तरह है, वहाँ एक मौज है उसके ऊपर भी मौज है, फिर उसके ऊपर एक सहाब है, तो सहाब भी काली बादल होगा, मतलब एकदम अंधेरी, तो वहाँ भी तशबी वजह शब क्या है, वजह शब सूरह मुतदिया है, फर्स्ट में भी क्या है एक चीज़ है सोचता है जाता है नहीं मिलता है, वह वजह शब। दूसरा में एक के ऊपर
अंधेरी, फिर भी उसके ऊपर भी अंधेरी, तो अंधेरी का अलग अलग मॉडल। ओके, तो ये फर्स्ट तमरीन में टोटल 12 जुमला है, 12 में भी वजह शब्द बता दिया है, तो क्लियरली देखना। ओके।